चलो गुड मॉर्निंग बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है बेटा अपना 11। देखिए मैंने आपको बोला था कि जैसे कि अपन ये क्वेश्चन नंबर 10 तक जो पढ़े थे वो 10 तक मैंने बोला था कि ये बेसिक क्वेश्चंस थे, उसमें ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट थी नहीं, बट स्टिल वैसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए जो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने पढ़ाया था। अभी यहाँ से जो क्वेश्चंस रहेंगे बेटा वो थोड़े से एडजस्टमेंट्स उसमें आएंगे, अभी इंसॉल्वेंसी वाले वगैरह क्वेश्चंस जो आएंगे वो अभी अपन पढ़ने वाले, तो थोड़ा सा केयरफुली पढ़ लीजिए इसको और उसके बाद जो भी आपने लेजर्स या जो भी एंट्री प्लस माइनस जितना भी आपने सीखा होगा वो अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिकली चीज़ें करना जरूरी है, अदरवाइज़ कोई मतलब का नहीं है। इसको थ्योरेटिकली पढ़ के या कोई अदर चीज़ें पढ़ के कोई मतलब नहीं, इसको प्रैक्टिकली पढ़ना जरूरी है और प्रैक्टिकली खुद से करना जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आप कुछ भी नहीं कर रहे तो फिर ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिकली प्लस माइनस करेंगे नहीं, प्रैक्टिकली उसको डिवाइडेशन करके देखेंगे नहीं, प्रैक्टिकली उसको रेशियो में डिवाइड करके देखेंगे नहीं, तब तक वो नहीं आएगा। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितनी बार आप कर सकते हो कर लीजिए। एक बार पहले वीडियो देखिए और फिर अपने मन से जितनी बार आप कर सकते हो वो कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के कारण इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब ही कहता है प्रैक्टिकल, ठीक है? तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करके देखिए तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर ये ऐसे डाउट बढ़ते जाएगा कोई मतलब नहीं। क्योंकि अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मतलब मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, जब मैं आप मेरे को देख रहे लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आपको स्क्रीन में से घुस के मार भी नहीं सकता कि आप देख रहे कि नहीं देख रहे, और देख रहे तो अच्छे से देख रहे कि नहीं देख रहे। तो बेटा आपको अपने अंदर सिंसियर होना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा डेडिकेशन लाना पड़ेगा, तो डेडिकेशन के साथ देखिए लेक्चर्स तो आपको समझ में आएंगे, नहीं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। तो अच्छे से देखिए उसको अपन पढ़ने वाले हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। तो देखो सबसे पहले गौतम विराट एंड अश्विन वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 2011 वाज एज फॉलोज। तो ऐसे तीन पार्टनर है, तो देखिए सबसे पहले कैपिटल अकाउंट गौतम विराट अश्विन, रिजर्व फंड क्रेडिटर्स बैंक लोन ऐसा आपको दिया है, बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक डेटर्स कैश और बाद में मशीनरी। तो ये वाले क्वेश्चन में मैं आपको कुछ भी लिख के नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको बस जो स्टार्टिंग की जो दो तीन एंट्री है मैं लिख के नहीं दूंगा, जो आपको आती है जैसे एसेट ट्रांसफर आपको आती है, लाइबिलिटी ट्रांसफर आपको आती है, जो चीज़ें अभी आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके उसको मैं आपको नहीं कराऊंगा, बस मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री होती है कौन सी आती है कौन सी नहीं आती, बट खाली लिखना आपको उतना है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो एडजस्टमेंट है वो मैं करके दूंगा, और जहाँ जहाँ भी मुझे लगेगा कि मुझे यहाँ पे बोर्ड पे लिखना है तो मैं वो चीज़ें लिखूंगा, बाकी अदरवाइज आपको यहाँ पे सारी चीज़ें लिखना है, समझा बेटा ये? तो आप अपने कॉपी में जो बेसिक एंट्री वो आप लिख लीजिए, जो आपको आता है वो पहले आप नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको आगे कंटिन्यू कराता हूँ। तो देखिए सबसे पहले वहाँ पे लिखा है, पहली एंट्री होगी बेटा आपके असेट्स ट्रांसफर करने की। तो असेट्स ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, तो आपको पता है असेट्स ट्रांसफर करने की एंट्री होती है कि आपके जितने भी असेट साइड में जो असेट दिख रही है चार चीज़ों को छोड़ के वो असेट्स आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो पहली एंट्री होगी आपके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो ऑल असेट्स में क्या क्या आएगा, तो एक बार देख लीजिए क्वेश्चंस में, ऑल असेट्स में आएगा बिल्डिंग 73,900, फर्नीचर आएगा 44,100, स्टॉक आएगा 25,400, डेटर्स आएगा 33,600 और बाद में मशीनरी आएगा 40,000, या ऐसा आपका आएगा पहली एंट्री। तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो जितनी भी असेट्स है वो क्रेडिट में लिखेंगे। एंट्री आपको करना है लेजर में करके दूंगा, डोंट वरी, आप बस इसको घबराइए मत, मैं आपको करके दूंगा, बस एंट्री तो लिख सकते हैं ना बेटा, है ना? तो लिख लीजिए उसको जो मैं बोल रहा हूँ, ईमानदारी से लिख लीजिए उसको, और कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो लिखो पहली एंट्री, लिख लिया होगा आपने, तो क्या लिखा है बेटा आपने, तो लिखो आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट क्रेडिट। ऑल असेट्स में क्या क्या आएगा, बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक डेटर्स और बाद में मशीनरी। नरेशन लिखेंगे बींग ऑल रियल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, जितनी भी आपके असेट्स है वो क्या होगी, ट्रांसफर होगी, समझा बेटा ये? सेकंड, हाँ सेकंड जो है बेटा आउटसाइड लाइबिलिटी, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ एक बार आउटसाइड लाइबिलिटी। तो देखो एक बार याद करो, मैंने जब उमेश वाला क्वेश्चन पढ़ा था, उमेश वाइप लोन, तो देखो वहाँ पे मैंने आपको बताया था तीन तरीके से एडजस्टमेंट। तो ये आपकी लाइबिलिटी साइड है, सुनो इसको, ठीक है? जो काम का वही बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे लोन आता है, लोन, ठीक है? अभी लोन तीन टाइप के लोन होते हैं, ध्यान से सुनो, मैंने एक बार इसका जिक्र किया था बट अभी इसको वापस से सुनो। तीन टाइप के लोन होते बेटा, अभी लोन मान के चलिए, एक तो हो सकता है पार्टनर्स लोन, एक तो हो सकता है वाइफ लोन, पार्टनर्स वाइफ लोन, हाँ ध्यान रखना पार्टनर्स वाइफ लोन, और एक हो सकता है बैंक लोन। तो इस क्वेश्चन में अपन बैंक लोन पढ़ने वाले, तो ध्यान दो, ऐसे तीन टाइप के लोन है, वन बाय सुनो।
सबसे पहले पार्टनर्स लोन का डायरेक्ट करना पड़ता है पेमेंट। मैंने आपको अभी तक ये करा था, यही करा था पेमेंट। जब भी आपको क्वेश्चंस में मान के चले ए बी सी ऐसे तीन पार्टनर है, तो उसमें से मान के चले मैंने बी से लोन लिया, तो बी से लोन लिया मान के चले 10,000, तो ये हो गया पार्टनर्स लोन, क्योंकि बी इज द पार्टनर एंड उससे मैंने लोन लिया तो उसका मुझे डायरेक्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अगर से आपने किसी पार्टनर से पैसा लिया एज अ बिजनेस करने के लिए, तो उसका आपको डायरेक्टली पेमेंट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। जब आप डिसॉल्व कर रहे पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करेंगे, तो सबसे पहली लाइबिलिटी आपकी उस पार्टनर को लोन के पेमेंट करने की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि उससे आपने लोन लिया। कैपिटल नहीं, कैपिटल तो सबसे लास्ट में माइनस करना पड़ता है, बट सबसे पहले प्रायोरिटी में उसको हमें लोन पेमेंट करना पड़ता है, तो लोन का हम डायरेक्टली क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो ये हो गया पार्टनर्स लोन, तो डायरेक्ट सिंगल एंट्री होगी। जब पार्टनर्स का लोन आएगा तो एक ही एंट्री होती है, डायरेक्टली क्या करेंगे बेटा, पेमेंट, ना उसको ट्रांसफर करेंगे ना कुछ करेंगे, मतलब उसको हम आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रीट नहीं करेंगे, डायरेक्टली उसका क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। किसका बेटा, पार्टनर्स लोन का, जब आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा तब। अभी तक जो 2-3-4-5 क्वेश्चन आपने करे जिसमें आया था, तो मैंने आपको डायरेक्टली करके दिया था उसका पेमेंट, येस और नो बोलो, हाँ हाँ, तो करके दिया था। एक क्वेश्चन आया था उमेश वाला, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि उमेश ने अपनी वाइफ से लोन लिया था, तो बेटा ये क्या हो गया, उसकी वाइफ से लोन लिया, तो वाइफ से अगर से लोन लिया तो उसका भी हम डायरेक्ट क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसी के हस्बैंड ने उसका पेमेंट किया था, याद है क्या अपन को, अपने को अपने एंट्री पास करी थी, वाइफ लोन अकाउंट डेबिट टू हस्बैंड अकाउंट, मतलब वाइफ ऊपर हस्बैंड नीचे, मैंने बताया था आपको, तो वाइफ अकाउंट डेबिट हस्बैंड अकाउंट क्रेडिट, उसकी एंट्री अपन ने पास करी थी कि अगर से किसी पार्टनर ने अपने बिजनेस में अपने वाइफ से लोन लिया पैसा, हाँ लोन मतलब पैसा बिजनेस करने के लिए, तो उसका डिसोल्यूशन हो गया बिजनेस का, तो बिजनेस में से अभी उसकी वाइफ को लोन पे करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम उसी के हस्बैंड ने पे किया, तो वाइफ तो वाइफ का अगर से आप पेमेंट करेंगे, तो वाइफ का पेमेंट करेंगे और उसी के हस्बैंड ने किया, तो अपन एंट्री क्या करे थे, वाइफ लोन अकाउंट डेबिट टू हस्बैंड अकाउंट क्रेडिट, मतलब वाइफ लोन अकाउंट डेबिट टू हस्बैंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, हस्बैंड का जो भी नाम रहेगा वो वहाँ पे आ जाएगा, ये अपन ने पढ़ा था, तो उसका भी अपन डायरेक्ट पेमेंट करते। ये दो चीज़ें ध्यान रखना, अगर से पार्टनर्स का लोन आया तो उसका डायरेक्ट पेमेंट होता है, वाइफ से अगर से कोई पार्टनर अपने वाइफ से लोन लेता तो उसका भी हम डायरेक्ट क्या करते हैं, पेमेंट ही करते बेटा, ध्यान रखिए इस चीज़ को। उसके बाद आता बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक लोन। बैंक लोन मतलब मैंने बैंक से लोन लिया बिजनेस करने के लिए, तो ये बैंक लोन को हमें आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रीट करना पड़ता है। आउटसाइड लाइबिलिटी जैसे मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट बताया था, बैंक ओवरड्राफ्ट ये फैसिलिटी मिलते करंट अकाउंट होल्डर वालों को, तो वैसे एक होता है बैंक लोन। बैंक लोन आज मैंने बिजनेस करने के लिए बैंक से लोन लिया, 1,00,000, 10,00,000 जितने का भी हो सकता है मैंने बैंक लोन लिया, वो मुझे पे करना पड़ेगा। तो जब मैंने आज बैंक लोन लिया तो उसको मुझे इंटरेस्ट के साथ पे करना होता है। अगर से आपको प्रॉब्लम में इंटरेस्ट बुला होगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको डायरेक्टली पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब आप पेमेंट करेंगे बैंक को, यानी बैंक लोन पे करेंगे, तो उसके पहले अपन जब आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करते, तो आउटसाइड लाइबिलिटी में बैंक को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, बिकॉज बैंक इज़ द आउटसाइड लाइबिलिटी। क्या बोला, समझ में आएगा। जैसे मैंने पार्टनर से लोन लिया तो पार्टनर इंटरनल ही है, तो उसका डायरेक्ट पेमेंट करना पड़ता, उसको हमें ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ता। बट जब हम जब हम बैंक से लोन लेते तो बैंक का हमें लोन पेमेंट करना पड़ता बेटा, तो उसका पेमेंट करने के पहले हमें उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जैसे आप आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं सेकेंड एंट्री में, तो उसमें और एक लाइबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी, बैंक लोन, ये भी हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी है। तो पहले हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। क्लियर हुआ इतना? अरे क्या बोला, समझ में आ गया। आई रिपीट माई सेंटेंस अगेन, ध्यान से सुनो। अगर से पेमेंट ऑफ पार्टनर है तो उसको हम डायरेक्टली पेमेंट करेंगे, पेमेंट ऑफ वाइफ लोन है तो उसको डायरेक्टली पेमेंट करेंगे, बट अगर से आपने बैंक से लोन लिया या बैंक ओवरड्राफ्ट है तो पहले उसको हम ट्रांसफर करेंगे, किसमें बेटा, रियलाइजेशन में, और उसके बाद हम उसका पेमेंट करेंगे। ये एडजस्टमेंट्स आपको यहाँ पे करनी होती है, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि अगर से किसी बैंक से लोन लिया, बैंक का लोन, ओनली लोन आए तो भी आउटसाइड लाइबिलिटी, लोन के आगे अगर से पार्टनर का नाम है, उसकी वाइफ का नाम लिखा है, तो हम उसको डायरेक्टली पेमेंट करेंगे। अगर से लोन के सामने बैंक या कुछ भी नहीं लिखा तो हम उसको आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, ये अपना एडजस्टमेंट्स होता है। समझ में आ गया बेटा मैंने क्या बोला? ये हो गया, मैंने दो बार रिपीट कर दिया, तो आप इसको अच्छे से देखिए और उसके बाद एंट्री। तो जब आप सेकंड एंट्री करेंगे, तो सेकंड एंट्री जब आएगी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर, तो देखिए आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर में आएगा क्रेडिटर्स और बैंक लोन। तो एंट्री क्या होगी बेटा आपकी? तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, एक एंट्री करके देता हूँ मैं। सेकेंड एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, उसके बाद आएगा बैंक लोन अकाउंट डेबिट। फॉर्मेट वगैरह आपने बनाया होगा, अभी फॉर्मेट वगैरह मैं बनाऊंगा नहीं, आप सबने बनाया होगा ये। टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, नरेशन लिखेंगे बीइंग आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया आपकी एंट्री। तो
तो कैसी एंट्री पास करेंगे बेटा, क्रिएटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, नरेश नायक का बिंग आउटसाइड लाइब्रेरी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ये हो गया आपके एंट्री सेकंड वाले, कर लेंगे आप लोग। तो चलो उसके बाद आरडीडी नहीं है, एंट्री नहीं होगी, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, एंट्री नहीं होगी, जो एंट्री नहीं उसकी एंट्री होगी नहीं, लॉस भी नहीं है, आरडीडी भी नहीं है, तो एंट्री नहीं होगी। डायरेक्टली फिर आपको दिया रिजर्व फंड, एंट्री होगी, रिजर्व फंड मतलब प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट जो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके पर्टिकुलर रेशो में, तो जो भी पर्टिकुलर रेशो आएगा उस रेशो में हम क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलो देखते बैंक सॉरी रिजर्व फंड, रिजर्व फंड का अमाउंट है बेटा आपका 27,000 वहाँ पे दिया है और तीन पार्टनर है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर से फॉर एग्जांपल अगर से 27,000 है और पार्टनर तीन है, रेशो आपको दिया नहीं और ऊपर आप हेडिंग पढ़ेंगे तो आपको दिया इक्वली, मतलब जो गौतम है, विराट है और अश्विन है, तो ये तीनों का जो रेशो है वो कैसा है बेटा, इक्वल इक्वल, मतलब 1:1:1, तीन पार्टनर है तो तीन से डिवाइड करेंगे, हाँ ध्यान रखो दो पार्टनर है तो दो से डिवाइड होगा, तीन पार्टनर है तो तीन से डिवाइड होगा, जितने नंबर ऑफ पार्टनर है उतने नंबर ऑफ पार्टनर से डिवाइड होगा इफ द रेशो इज इक्वल। अगर से रेशो इक्वल है तो उतने नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब तीन से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9,000, तो 9,000 होगा बेटा। एंट्री आपका पता है रिजर्व फंड की, एंट्री क्या होगी, चलो बोलो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू गौतम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू विराट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू अश्विन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ऐसी एंट्री पास करेंगे आप लोग। नरेशन आएगा तो बताओ कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 27,000, 9,000, 9,000 और 9,000 लिखेंगे ऐसा बेटा। ये एंट्री आपको आती है बेटा, आप लोगों ने कर लिया होगा, तो लिखो आप रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 27,000, गौतम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 9,000, विराट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 9,000, अश्विन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 9,000, ऐसे एंट्री पास होगी। आप लोग अपने कॉपी में लिखिए, मैं यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म में नहीं लिख के दूंगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन विथ 10 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, मैंने 10 प्रॉब्लम मैंने करके दिया, तो आप लोग 11वां ट्राई कीजिए, समझा। देखो आगे उसके बाद नेक्स्ट है आपका द फर्म वॉज डिजॉल्व, अभी फर्म एडजस्टमेंट नंबर वन, फर्म डिजॉल्व हो चुके हैं, तो देखो फॉलोइंग असेट्स वेयर रियलाइज, पहला द स्टॉक वॉज कम्प्लीटली डैमेज एंड कुड बी रियलाइज वर्थ ₹16,500 ओनली, का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से पहला एडजस्टमेंट्स, तो पहला जो एडजस्टमेंट्स है आपका, तो उन्होंने बोला है कि आपका जो स्टॉक है, स्टॉक मतलब क्या होता है, स्कंद माल, माल माल समझता है कि सबको, वो वाला माल नहीं रहे जो आप लोग समझते बाहर जाके देखते, वो वाला माल नहीं, देखिए माल मतलब जो बिजनेस में जो स्टॉक रखा होता है वो, तो देखिए द स्टॉक वॉज कम्प्लीटली डैमेज एंड कुड बी रियलाइज ₹16,500, तो जो आपका माल है, माल मतलब स्टॉक आपके बिजनेस में रखा था कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है, तो डैमेज होने के बाद उसको बेचा, बेचना बेचने के बाद कितना मिला, 16,500, तो मिला कितना वो इम्पोर्टेंट है, डैमेज हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, डैमेज हो मरे कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस स्टॉक से मिला कितना कुल्ड भी रियलाइज, मतलब वो बेच के हमें मिला है 16,500 रुपये, समझा बेटा, तो 16,500 रियलाइज हुआ ना, मतलब पैसा आया कितना 16,500 रुपये, द स्टॉक वॉज कम्प्लीटली डैमेज मतलब पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है एंड कुल्ड बी रियलाइज वर्थ ₹16,500 ओनली, और 16,500 रुपये ही मिला है उससे ज़्यादा नहीं, समझा बेटा। ये बिल्डिंग वॉज सोल्ड ₹49,800, तो बिल्डिंग को हमने रियलाइज किया है 49,800, समझा बेटा ये, तो बिल्डिंग वॉज रियलाइज 49,800, फर्नीचर वॉज रियलाइज बाय द फर्म 23,100 लेस देन द बुक वैल्यू, तो इसका मतलब क्या होता है देखो, तो ये हो गया आपका टोटल, और कुछ है क्या चेक कर लो, बस हो गया इतना और कुछ भी नहीं है, तो करो इसको टोटल करो, ये 0,0,0, उसके बाद ये दूसरा भी 0, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 6 5 हाथ चाला 1, 6 और 1 7, 7 और 9 16 और 1 17, 17 और 9 26, हाथ चाले 2 और 1 3, 5 5 और 1 5 और 1 6 और 4 10, 1,06,500 इसका टोटल आएगा। असेट सोल्ड की एंट्री क्या होती है पता है आपको, असेट सोल्ड की एंट्री क्या होती है, तो बोलो असेट सोल्ड कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट कितना लिखेंगे 1,06,500, 1,06,500, तो ध्यान दो अगेन वापस से इम्पोर्टेंट है, स्टॉक है 16,500, बिल्डिंग रियलाइज 49,800, फर्नीचर का टोटल बुक वैल्यू 44,100, उसमें से लेस करना है, लेस मतलब उतना कम में मिला है तो कम माइनस करेंगे, तो 21,000 आएगा आपका बेटा, मैंने कर दिया। डेटा से टोटल 33,600, एडजस्टमेंट अच्छे से पढ़ेंगे, कस्टमर हु ओ मतलब उधार है उसके ऊपर 14,400 का, बट देर आर सम रीजन्स दैट्स वाई द कस्टमर हु हैज़ नॉट पेड द हैज़ नॉट एबल टू पे द अमाउंट ऑफ ₹44,400, दैट्स वाई द दिस कस्टमर बिकम द इंसॉल्वेंट,
और जो कस्टमर इंस्टॉलमेंट हो गया तो इसलिए क्या करेंगे बेटा, उसको माइनस करेंगे। तो 33,600 में से 14,400 माइनस किया तो बचा 19,200, तो यहाँ पे टोटल हो गया 106,500। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट क्रेडिट असेट सोल्ड का नरेशन आपको आता है। उसके बाद क्रेडिटर्स वेयर पेड रुपीज 36,900 इन फुल सेटलमेंट एंड बैंक लोन वॉज डिस्चार्ज फुल्ली। तो देखिए क्रेडिटर्स को मैंने कितना सेटलमेंट किया, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट आएगा आपका, सेटलमेंट कर दिया उसने 36,900 में। अभी इससे ऊपर वाली वैल्यू से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने डायरेक्टली सेटलमेंट दिया था, यहाँ पे ऐसा कोई सेटलमेंट वगैरह नहीं दिया था, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली सेटलमेंट दिया कि मैंने 36,900 डायरेक्टली किसको पे कर दिया बेटा, क्रेडिटर्स को, और बैंक लोन फुल्ली डिस्चार्ज। तो बैंक लोन का कितना बेटा, 11,500 पूरा का पूरा पे कर दिया। तो लिखो यहाँ पे बैंक लोन, क्योंकि आउटसाइड लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी हो गई, तो यहाँ पर रहेगा 004, फिर उसके बाद 8 और ये 4, 48,400। तो 48,400 हो गया आपका, तो ये हो गया लाइबिलिटी पेड। लाइबिलिटी पेड की एंट्री क्या होगी, तो लाइबिलिटी पेड की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट अमाउंट आप लिखेंगे 48,400। तो लिखो वहाँ पे एंट्री, एंट्री क्या होगी बेटा, लाइबिलिटी पेड की एंट्री, एक्सटर्नल लाइबिलिटी पेड, एक्सटर्नल लाइबिलिटी पेड की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, नरेशन लिखेंगे बिंग एक्सटर्नल लाइबिलिटी पेड या आउटसाइड लाइबिलिटी पेड लिखेंगे तो भी चलेगा, और अमाउंट लिखेंगे 48,400। मैंने अगेन स्टार्टिंग में कहा था कि मैं एंट्री नहीं लिख के दूंगा, एंट्री आपको लिखना है, पढ़ाऊंगा मैं लेकिन एंट्री आपको लिखना है। लास्ट वाली द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 4,100, ये तो आपको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बिंग एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन हैज बीन पेड। जो भी आप नरेशन लिखते हो लिख लेना, आंसर आ जाएगा, समझा बेटा ये। तो ये हो गया आपका बेसिक प्रॉब्लम, आप इसको अच्छे से देखिए और उसके बाद इसके लेजर्स मैं आपको बना के देता हूँ, समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका लेजर मिलेगा और लेजर आप अच्छे से देखिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए बेटा। मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, वापस से वही सेंटेंस बोल रहा हूँ कि पहले आप इसको खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए, समझ में आ गया बेटा ये, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा और ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर। चलो मिलते फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में।